ऑल राइट जी, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अभी कात्रज घाट के एकदम नज़दीक से। एक्चुअली पूना सिटी में इतना ट्रैफिक था ना भाई साहब, मटकी प्याज और इसको हम लोग बोलते हैं तरी। सुन सुना आती क्या खंडाला, अरे घूमेंगे नाचेंगे गाएंगे फिरेंगे ऐश करेंगे और क्या। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम होम टाउन। तो वापस से नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारे बिल्डिंग के टेरिस से। सो अभी का प्लान ऐसा है कि एक्चुअली मुझे कल निकलना है एक राइड के लिए, और वो राइड होने वाले 2 से 3 दिन के। तो सबसे पहले मुझे करने है बैक पैकिंग, लेकिन मैं कल सुबह निकलने वाला हूँ 3 या 4 बजे सुबह के टाइम पे। तो ब्लॉग शूट करने के मिलेगा नहीं बिल्कुल, क्योंकि वो टाइम अंधेरा रहेगा। सो फिर करते बैक पैकिंग, लेट्स गो। सो ऑल राइट जी, ये हमारे राइडिंग गियर्स और उसके साथ नी गार्ड्स एंड एल्बो गार्ड इसके साथ में। सो 2 दिन के लिए मैंने कपड़े लिए, कैप गॉगल्स वगैरह सब। सो मोटो व्लॉगिंग सेटअप मैं भी रेडी करूँगा कल के लिए फिलहाल तो, और ये वाले शूज़ मैंने स्पेशली उधर पहनने के लिए। सो ऑल सेट। सो ऑल राइट जी, फाइनली राइड पे निकलने का टाइम अभी आ चुका है। अभी फिलहाल बज चुके हैं सुबह के 4:37, और आज मेरे साथ ही मेरा छोटा भाई ओम। सो अभी अंधेरा होने की वजह से मैं बिल्कुल शूट नहीं करूँगा, थोड़ा उजाला आ जाए उसके बाद शूट करूँगा। तो निकलते फिर यहाँ से, लेट्स गो। सो हे गाइज, व्हाट्स अप, दिस इज अंकुर। आई होप आप सभी लोग एकदम ठीक हो गए। वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। तो फाइनली हम लोग ने सुबह राइड शुरू की थी, अभी बज चुके सुबह के 7:30। सो हमारे सामने एकदम प्यारा सा सनराइज़ हो रहा है। एक्चुअली मतलब सुबह हम लोग ने जब भी राइड स्टार्ट की तभी अंधेरा था, इसके लिए सोचा थोड़ा उजाला आ जाए उसके बाद ब्लॉग शुरू करते हैं हम लोग। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके अभी लोनावला में। सबसे तो पहले हमको चाय पीने, इधर चाय की शॉप है उधर से चाय लेते हैं। तो सुबह सुबह के टाइम चाय की चुस्की ब्रो, चेस फॉर चाय। सो और एक बात आप लोग को बतानी, हम लोग एक्चुअली ये राइड करने के लिए जा रहे हैं सातारा डिस्ट्रिक्ट में, हमारा गांव है वाई उस जगह। एक्चुअली एक दो मेरे उधर छोटे मोटे काम भी, वो भी निपटाने, देन उसके बाद थोड़ा एक्सप्लोर करने वाले, घूमने वाले। सो ये राइड पे बहुत सारा मजा आएगा। अभी चाय पीते फटाफट से, मोटो ब्लॉगिंग सेटअप वगैरह रेडी करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, फाइनली हम लोग निकल चुके हैं अभी लोनावला से। तो एक बात बताने यार आप सभी लोगों को, जितने भी लोग हैं अपने दोस्त लोग हैं या सब्सक्राइबर है हमारे, जो लोग बाइक राइड करते हैं लेकिन ज़्यादा दूर जाने के लिए डरते हैं, उनके लिए एक बात बताना चाहता हूँ। देखो हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग अगर बाइक राइड पे निकल रहे सोलो या डियो, लेकिन डरते क्योंकि इंसिडेंट ना हो जाए या किधर एक्सीडेंट ना हो जाए इसके लिए। सो देखो आप लोग को बाइक राइड करनी है, अगर बाइक भगा रहे हो तो उसको बाइक राइड बिल्कुल नहीं कहते। बाइक राइड किसको कहते हैं, आप आगे पीछे या दो बाजू, राइट एंड लेफ्ट बाजू, अगर चारों बाजू देख के अगर बाइक चलाते हो एकदम प्रॉपरली और वो भी सेफ, उसको एकदम परफेक्ट बाइक राइड कहते हैं। सो अपन को वही बाइक राइड करनी है, किसको न रेस करनी है, किसके साथ न बाइक भगानी है या किसको ओवरटेक करना है। भाई अपना रास्ता सामने है और जो अपना लक्ष्य है जिधर अपन को जाना है बाइक राइड करने के लिए, जिस पॉइंट पे, बस उधर ही फोकस करने का, ज़्यादा किसको ये वो पटेली बैठेली करके बाइक बिल्कुल नहीं चलाने का। तो लोगों के मन में दिल में एक ही डर रहता है कि अगर कुछ इंसिडेंट हो जाए तो क्या हो सकता है। देखो लाइफ में आप एक ही बार आ चुके हो, एक ही बार आए हो, भगवान ने आपको एक ही बार धरती पे भेजा है। आप इस लाइफ का आनंद लीजिए, इंजॉय कीजिए इस लाइफ को, और लाइफ एक ही बार मिलती है। और रही बात डर की, अगर राइड पे जा रहे हो आपके नसीब में जो लिखा है ना भगवान ने, वही होने वाला है आपके साथ। यानी मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपके साथ कुछ हो जाए, भगवान करे बिल्कुल भी किसी के साथ इंसिडेंट ना हो या एक्सीडेंट बिल्कुल ना हो, ये मैं दिल से बात करना चाहता हूँ। लेकिन वो डर से अगर हम लोग घर में बैठे रहेंगे, बाइक राइड बिल्कुल नहीं करेंगे ना, तो लाइफ में आके कुछ फ़ायदा नहीं है अपन लोग का। सो बाइक राइड करनी भी बहुत ज़रूरी है लाइफ में, इसके लिए सेफ राइड कीजिए और लाइफ में मज़े उठाइए बस। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं फिलहाल पुणे सिटी के अंदर, पीसीडी
पी टाउन बेबी। एनीवेज गाइस, अभी तो पुणे सिटी में बिल्कुल ही ट्रैफिक नज़र नहीं आ रही है मुझे, क्योंकि आज है गुड़ी पड़वा और गुड़ी पड़वा की वजह से सभी लोगों को छुट्टी है, इंडियन हॉलीडे ये भी। सो इसकी वजह से सब लोग घर पे होंगे आज और रोड पे गाड़ी कम दिखाई दे रही है मुझे। और ये राइड पे ना इतनी भगाई ना बाइक मैंने भाई साहब, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें सुसु ब्रेक की ज़रूरत है, क्योंकि कंटिन्यूसली तब भी से एक से डेढ़ घंटा बाइक चलाई है, तो सुसु ब्रेक लेना पड़ेगा ना मेरी जान। हाँ मेरी जान। ऑलराइट जी, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अभी कात्रज घाट के एकदम नज़दीक से। एक्चुअली पूना सिटी में इतना ट्रैफिक था ना भाई साहब, वो सब फेस करते हुए हम लोग इधर तक पहुंच चुके हैं अभी। सो थोड़ी हल्की फुल्की भूख लगी थी, इसके लिए ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके अभी हम लोग। सो ये वाला होटल आप एक बार चेक कर सकते, और हम लोग ने ऑर्डर किया अभी के लिए फ़िलहाल तो मिसल पाव, तो दोनों जब बैठेंगे ये ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे। अभी सोच रहा हूँ बिना ब्रेक किए हुए तो जो हमारा वाई है ना, वाई गांव उधर तक निकल जाओ, लेकिन अगर कुछ ब्रेक लेना पड़ता है तो उधर रुकेंगे फिर। तो इंजॉय करते इस मिसल पाव को और राइड करते हुए भाई साहब इतना मज़ा आ रहा है ना, अनएक्सेप्टेड। ऐसा तो मुझे तो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि ये राइड एक्चुअली है 250 किलोमीटर की, लेकिन मैं वन टाइम में 250 किलोमीटर जा भी सकता हूँ और उसके साथ 250 किलोमीटर आ भी सकता हूँ। तो चलो पहले मिसल पाव खा लेते हैं, लेट्स सी। ऑलराइट जी, तो अभी मिसल पाव में फिलहाल मेन्यू है ये दो पाव, चिवड़ा, मटकी, प्याज, कर्ड, और इसको हम लोग बोलते हैं तरी। सो ये इसमें चिवड़ा में ऐसे डालने का, देन उसके बाद थोड़ा सा प्याज, थोड़ी सी मटकी। भाई साहब नेक्स्ट लेवल मिसल पाव। सो पहले इसको खाते हैं, अभी मैं खाते खाते बात करूँगा तो बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, तो इसके लिए सबसे पहले मैं खा लेता और उसके बाद फिर आपसे बात करता। तो अभी दोपहर के फिलहाल 12 बज चुके हैं। एक्चुअली ये टाइम पे तो हमें पहुंचना चाहिए था, लेकिन क्या फ़ोटो निकलते हुए, वीडियो निकलते हुए, व्लॉग्स निकलते हुए हम लोग आ रहे थे, इसके लिए इतना टाइम हुआ हमें। तो ये घाट देख रहे हो, लोनावला का घाट, वो भी थोड़ा ऐसा हैवी डेंजर है रोड, और ये वाला घाट वो भी डेंजर है। तो ये खंडाला घाट चढ़ते हुए मुझे एक गाना याद आया, ए क्या बोलती तू, ए क्या मैं बोलूँ, सुन सुना आती क्या खंडाला, क्या करूँ आंखें में खंडाला, अरे घूमेंगे नाचेंगे गाएंगे फिरेंगे ऐश करेंगे और क्या। ए क्या बोलती तू भाई, जो बंदा ब्लॉग देख रहा है ना, ये गाना अपने बंदी को सुना हो और घूमने लेके आओ खंडाला घाट में, क्या बोलते हैं। तो चलो थोड़ा फास्ट फास्ट गाड़ी मारते हैं अपन लोग, बिकॉज कुछ ज़्यादा ही टाइम हो चुका है। सो फाइनली गाइज वी आर हेयर, हम लोग सुबह 4:30 निकले थे, तो अभी टाइम हो चुका है दोपहर के एक, और टोटल जो हमारी जर्नी रही है वो रही है 260 किलोमीटर की। सो जिस गांव में हम लोग आए उस गांव का नाम है चिकली मुरजीवाड़ा। सो जितने जितने लोकेशन आप लोग ने मिस किए ना, वो इधर से नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग को देखने के लिए मिलेंगे। सो अभी फ्रेश वगैरह होते और फ्रेश वगैरह होने के बाद नेक्स्ट व्लॉग शुरू करते, तो ये वाला व्लॉग होता है इधर ही समाप्त। आपको क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा जरूर कमेंट करना, अगर ज़्यादा ही अच्छा लगा दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं जल्दी से जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए पीस आउट। लोग एक्चुअली सुबह 4:30 निकले थे, सो देख लो आप लोग कितना टाइम लगा हमें। ये So finally guys